गुरु जी, आपकी परिकल्पना थी जो आज ये हेल्प डेस्क स्टार्ट हो पाया? देखिए गोपाल, महाराज जी, आज हेल्प डेस्क का आपने शिलान्यास किया है, क्या कुछ किया? आज मैं भगवान विश्वनाथ की इस पवित्र धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश का पहला प्रवासी भारतीय दिवस इक्कीस से 23 जनवरी के अंदर काशी की धरती में होने जा रहा है। ये देश का 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी भगवान विश्वनाथ की इस पवित्र धरती को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारी देखने और कैसे हम इन कार्यक्रमों को एक भव्य स्वरूप दे सकें, इस दृष्टि निरीक्षण करने के लिए यहाँ विशेष रूप से आया हूँ। काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर और ये पूरा क्षेत्र आता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण कि जिस योजना को वर्तमान में आगे बढ़ाया जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से, काशी के वैभव को, काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्य बनाए रखते हुए यहाँ पर विकास और प्राचीन और अर्वाचीन का संगम किस रूप में श्रद्धालुजनों की सुविधा के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, आज उसकी कड़ी इस कार्यक्रम में के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण की इस योजना में आप सबने देखा होगा, एक वो समय था जब 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जब आए थे तो यहाँ की गलियों और गंदगी को देख करके उन्होंने उस समय जो कटाक्ष किया था, 100 वर्ष के बाद काशी के सांसद के रूप में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए देश और दुनिया का जो भी श्रद्धालु आता है उन सभी श्रद्धालुजनों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो कार्य यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, आपने देखा होगा कि सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से दबे हुए मंदिरों को पुनरुद्धार किया जा रहा है। जो दब चुके थे लोगों ने अपना आवास बना दिया था, मंदिर को पूरी तरह कैद करके रख दिया था, आज ऐसे दर्जनों मंदिर नए सिरे से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यह कार्य योजना मूर्त रूप ले काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी होने का सौभाग्य काशी को है। काशी हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी है। देश को धर्म अध्यात्म और संस्कृति की प्रेरणा काशी से प्राप्त होती है और काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ का यह पावन मंदिर है। इस क्षेत्र का सुंदरीकरण हो, यहाँ की भव्यता, यहाँ की दिव्यता और उसका अलौकिक अनुभव देश और दुनिया के श्रद्धालुजनों को प्राप्त हो सके, उस कार्यक्रम का
जो शुभारंभ हुआ है उसकी ये पहली कड़ी आज यहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए यहाँ पर लोकार्पित की गई है और बहुत शीघ्र बहुत भव्य स्वरूप इस पूरे क्षेत्र का देखने को मिलेगा, जिसमें यात्री जनों की सुविधा, उनकी सुरक्षा और काशी को काशी के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक सौभाग्य, एक अवसर यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और काशी विश्वनाथ मंदिर और इस क्षेत्र के सुंदरीकरण के दृष्टि से जो बोर्ड गठित किया गया है वह इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। विगत 4.5 वर्षों के अंदर काशी की तस्वीर बदली है। काशी में अनेक योजनाएं IPDS के अंतर्गत ऊपर लटकते हुए तारों के जाल को हटा करके अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से लोगों को बेहतरीन व्यवस्था दी गई। सड़कें चौड़ीकरण सड़कों का हुआ है, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को फोर लेन में, फोर लेन को सिक्स लेन में, चौराहों का सुंदरीकरण का कार्य, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, यहां पर शिक्षा के केंद्रों के उन्नयन, यहां पर जन सुविधाओं का विकास, यहां के पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए मंदिरों को जिस तरीके से स्वदेश दर्शन और अन्य योजनाओं के अंतर्गत उनका विकास हुआ है, यह 4.5 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर देखा जा सकता है। हेरिटेज लाइटिंग का हो या फसाड़ लाइटिंग का, ये सारी की सारी का बदलती हुई काशी की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है। और जिस रूप में मीडिया ने, काशी के नागरिकों ने इस पूरे बदलाव में अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया है, वास्तव में काशी जो हम सबकी पहचान है, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता के साथ हम सबकी पहचान जुड़ी हुई है। उस पहचान को सभी लोग मिलकर के देश और दुनिया के सामने इसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सफल होंगे। अलौकिक अनुभव वह हर श्रद्धालु अनुभव कर सके, अपने साथ ले जा सके जो काशी में दर्शन करने के लिए। योगी जी, चुनाव के पहले क्या ये तोहफा मिल पाएगा? कॉरिडोर का चुनाव के ठीक पहले से तोहफा मिल पाएगा?